वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट 30 जुलाई को प्रस्तुत किए, उनकी समीक्षा के लिए ये वीडियो बनाया और पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. Indian Bank के बारे में historical जानकारी यहाँ दी हुई है और ये पहले जो Indian Bank के video हमने publish किए उसमें same है, इसलिए इस पर हम और समय नहीं लगाएंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में हम अगर चर्चा करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम ज़्यादा से ज़्यादा देखने में ये आया है कि इस क्वार्टर में सभी बैंकों की अदर इनकम में भारी कमी, भारी गिरावट की वाईओवाई बेसिस में नज़र आई, जबकि इंडियन बैंक को इसमें 1400 करोड़ के मुकाबले 1700 करोड़ अदर इनकम हुई और इस प्रकार से इनका जो है मामूली ग्रोथ जो है नज़र आई इसमें टोटल इनकम में, और एक्सपेंडिचर घट गए, इनकम बढ़ गई। तो इसलिए ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2770 करोड़ से 3575 करोड़ हो गया। प्रोविजन करीब करीब सेम है और इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 633 करोड़ की बजाय 1355 करोड़, टैक्स का प्रोविजन 139 करोड़, तो नेट प्रॉफिट हो गया 1200 करोड़, इन 384 करोड़ के बदले 1200 करोड़ करीब प्रॉफिट डिक्लेयर किया इंडियन बैंक ने फर्स्ट क्वार्टर में। इनका जो है ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये भी जो है लगातार देख रहे हैं कि घटते जा रहे हैं। एनुअल रिजल्ट की अगर बारे में सोचते हैं तो एनुअल रिजल्ट जो मार्च 20 तक के ब्लू कलर के हैं उसमें तब तक जो है इसमें जो मर्जर नहीं हुआ था इलाहाबाद बैंक का, और मार्च 21 और मार्च 22 के रिजल्ट हैं उनमें मर्जर होने के बाद के हैं। तो इसी प्रकार से आपको देख रहे हैं इनकम जो है 24 से 45 46000 करोड़ की इनकम आ रही है और आपको उसी तरह से एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रॉफिट फ्रंट पे आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले जो सिंगल इंडियन बैंक थी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी 700 करोड़ 1400 करोड़ 1200 करोड़ घट गई थी 19 और 20 में 300 करोड़ 700 करोड़, अभी वो 3000 करोड़ 4000 करोड़ हुई पिछले साल में, और इसके चलते उसने बहुत अच्छा डिविडेंड 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। उसके पहले साल में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, और इंडियन बैंक ही एक मात्र ऐसी बैंक है जो पूरे इस जितना भी खराब समय था बैंकों का 4-5 साल का, अब देखिए 16, 17, 18, 19, 20 में बहुत से ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंकों ने लॉस डिक्लेयर किए, बड़े बड़े लॉस डिक्लेयर किए, बहुत ज़्यादा एनपीए। इंडियन बैंक में लगातार आप देख रहे हैं पिछले 6 साल 7 साल से जो है वो प्रॉफिट में ही है, कभी लॉस डिक्लेयर नहीं किया। और इनका जो है ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा 7% के आसपास ही है, और मार्च 21 में 10 हुआ था, अभी 8 के आसपास और फिर वापस जो है घटना। नेट एनपीए 2% 3% के आसपास है, पहले 4% के आसपास था। बुक वैल्यू 301 है, ईपीएस 32 हो गया अभी। तो इस तरह से इनका जो है बहुत अच्छा ये बैंक था, और बहुत अभी जैसे मार्केट में पीएसयू बैंक के लिए सेंटिमेंट बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो भी एनालिस्ट आपको मिलता है वो आपको एडवाइस करेगा कि आप क्या खरीदो, प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदो, एचडीएफसी बैंक खरीदो या कोटक महिंद्रा बैंक खरीदो या आईसीआईसीआई बैंक खरीदो, एक्सिस बैंक खरीदो, अब वगैरह वगैरह, और छोटे छोटे बैंकों की बहुत सारी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी। छोटे छोटे बैंकों में जो इस तरह की साइज की और ये सब जो है आपको कम्फर्ट नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे पीएसयू स्टेटस है उसकी वजह से आपको कम्फर्ट मिलता है। और दूसरी और डिटेल में अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की अगर चर्चा करें तो बिजनेस में 9% का इजाफा, डिपॉजिट एडवांस अभी में कासा में 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, और इसमें जो है आप देख रहे हैं नेट एनपीए 2.12, ग्रॉस एनपीए 8.13, 156 बेसिस पॉइंट डाउन हो गए ये, और 135 पॉइंट डाउन हो गए मतलब बढ़िया हो गई, और पीसीआर इसका 88% के करीब जो मेंटेन करते हैं। तो इतना अच्छा प्रोविजन किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ रिकवरी होती है वो सीधा जो है बॉटम लाइन में जाके
ऐड हो जाती है, इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छे से आती है। नेम उसका 3.1%, 25 बीपीएस वाईओवाई और 23 बीपीएस क्यूओक्यू इम्प्रूवमेंट नीम में मिला है। तो तीन से ज़्यादा नीम है मतलब रेस्पेक्टेबल है, बहुत बढ़िया, चार को मानते हैं। उसके अलावा जो है आपको दूसरे जो रेशियो हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है और कैपिटल एजुकेसी 16.5 है। तो इनमें क्या है कि कैपिटल एजुकेसी कंफर्टेबल है, तो उसे जल्दी से जो है उसका इक्विटी और बढ़ाने की जरूरत, कैपिटल की इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं रहती। तो इसी के लिए आप मार्केट में जो है नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल जो है वो उतने ही बने रहते हैं। अगर बिजनेस बढ़ता है तो आपकी डिमांड के हिसाब से उसका प्राइस अप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर कासा की बात करते हैं, कासा में जो है बहुत बढ़िया, आप नहीं बोल सकते 40 के ऊपर ही है, मगर 41.2 इतना अभी है जून में, जो पहले क्वार्टर में 42 से ऊपर चला गया था। तो बहुत बढ़िया नहीं है, बट अगर रेस्पेक्टेबल फिगर 40 के ऊपर अगर है तो इसको रेस्पेक्टेबल फिगर मान सकते हैं कासा के मामले में जो बोलना है। और बाकी ये निम है, निम में भी 3% के ऊपर अभी है, तो अभी और है गुंजाइश उसमें इम्प्रूव करने की। बट अभी काफी जो पीएसयू बैंक है उनका जो निम है वो 3% से नीचे ही है, 3% के ऊपर नहीं है, काफी बैंक का ऐसा हाल है। एनपीए फ्रंट पे अगर देखते हैं हम, परसेंटेज टर्म्स में देख लीजिए, 9.69 से 8.13 आ गया और 3.47 से 2.12 आ गया। तो ये है इनका जो असेट क्वालिटी के बारे में। और बाकी जो स्लीपेज है, स्लीपेज भी जो धीरे धीरे घट रही है, 4.78 से 3.03। और जो प्रोविजनल कवरेज रेशियो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, वो 82 से बढ़ के 88% तक कवरेज हो गया है। तो अभी आगे जाके सरप्राइज एलिमेंट जो है उतना मिलने की संभावना कम हो जाती है। कैपिटल काफी 16.51 है, तो जल्दी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये शेयर होल्डिंग है इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी 79.8% है, 20% पब्लिक की है। विद इन पब्लिक जो है म्यूचुअल फंड की 7.6% बहुत अच्छा है, बाकी किसी बैंक में म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा हिस्सेदारी है नहीं। रेजिडेंट एलिजिबल 4.46, इंश्योरेंस कंपनी 3.6%, 7 और 3.10 ये जो है इसमें दोनों है, PIFI वगैरह है और एम्प्लॉय भी 1%। तो प्राइस ट्रेंड की अगर देखें तो पिछले 2007 से काफी जो है ऊपर नीचे ये हुआ है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है 400 करीब, अभी जो है इसका भाव जो है 180 के आसपास चल रहा है। तो इसमें अभी आपको अवेलेबल है, कुशन अवेलेबल है वो इम्प्रूवमेंट होने के लिए। और इस प्रकार से जो जानकारी है, इस जानकारी से आप यदि निवेशक ऑलरेडी हैं इंडियन बैंक में, और या भी आप निवेश करना चाहते हैं, 6.5% का डिविडेंड दिया है और अच्छा जो है प्राइस टू बुक भी अच्छा है उसका, रेस्पेक्टेबल है, तो उसमें आप निवेश करके फायदा उठा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके अच्छी लगती है तो आप जो है वीडियो को यूट्यूब में लाइक कीजिए, और हमारा जो ट्विटर हैंडल है ViewSunC2, वहां पे जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।